और आज यूपी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट और फतेहपुर में जेपी नड्डा की जनसभा होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे के बाद चित्रकूट में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। दोपहर 2:40 पर फतेहपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो देखिए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी कमान संभाले हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में आज जेपी नड्डा की मौजूदगी रहने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत कैसे हासिल हो, इसे लेकर लगातार बीजेपी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चौथे फेज के इलेक्शन को लेकर अब बीजेपी के तमाम दिग्गज बैक टू बैक अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे। मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चित्रकूट और फतेहपुर में जेपी नड्डा की जनसभा होने वाली है। पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से। दोपहर 12:50 पर चित्रकूट में जेपी नड्डा की जनसभा, दोपहर 2:40 पर फतेहपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से लक्ष्य एनडीए की तरफ से रखा गया है 400 पार, उस नारे की गूंज हर जनसभा में सुनाई दे रही है और जीत को भी लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आते हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा